देखिए सरकार नाकामी है शासन चलाने का। सरकार को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है इस देश में सबसे ज़्यादा गरीब मजदूर युवा सभी वर्ग लोग का है। इनके चार ही लोग याद आता है पूंजीपति, उसी के हिसाब से सोचता है। इस देश का हालत किस तरीके से किया है आपको पता है। 70 साल में कभी इतनी बड़ी लेवल पे इन लोग ने जो पेट्रोल दाम हो, गैस का हो, डीजल हो, हर लेवल पे आप लोहा से लेके सीमेंट से लेके हर महंगाई करके रख दिया है सरकार ने। इनका नारा था अब की बार, अभी अब की बार पेट्रोल 100 की पार हो चुका है। इसे सरकार कहीं ना कहीं ही क्यों ऐसे कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं तो इनको समझ में नहीं है क्या है। ऐसे ऐसे मंत्रिमंडल में कुछ लोग बैठा है, जब यूपीए सरकार होता था प्रति बैरल $110 में मिलता था, तब भी कांग्रेस सरकार ने इस देश का युवा मजदूर छोटे उद्योगपति और किसान सारे को देख के 60 रुपये में पेट्रोल मिलती थी और 40 रुपये में डीजल मिलती थी और 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था। अभी इनके सरकार आने के बाद में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल का जो 60 प्रति डॉलर पे मिल रहा है, तो फिर भी इन लोग ने 100 रुपये को क्यों दे रहा है। 33 रुपीज़ में पेट्रोल देना है, पेट्रोल से ज़्यादा इन लोग ने एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, तो इन्हें 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा चुका है। फिर कहीं ना कहीं ये सरकार ने आम लोगों को टोटली इन लोग ने ख़त्म करने में लगाए हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो इनका वित्त मंत्री को कुछ लोग ने जब प्याज का दाम बढ़ गया था तभी पूछे थे, मैं प्याज नहीं खाता हूँ बोले वो, तो प्याज खाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो GDP को क्यों खा रहे हैं समझ में नहीं है। हमेशा इस देश का अन्नदाता के साथ खड़े रहेंगे, पूरा कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस उनके समर्थन करेंगे, हर इशू पे उनके साथ कंधे से कंधे मिला के सरकार को घेरने का काम। अरे हमारा नेता सबसे ज़्यादा कोई आवाज़ उठाए सरकार के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सारी संसद से लेके सड़क तक आपने आप देखा होगा, सबसे पहले ट्रैक्टर रैली किसने स्टार्ट किया पंजाब से, जो संसद में सबसे पहले इस काला कानून के खिलाफ आवाज़ किसने उठाया, जो लॉकडाउन में 12 फरवरी को सबसे पहले बता दिया ये कोविड महामारी है, सरकार को जगाने का काम किया। जब इन लोग ने नोटबंदी लेके आया जानलेवा नोटबंदी, तब भी राहुल गांधी ने सबसे पहले, जो इन लोग ने GST लेके आया, हर बार ये सरकार को जगाने का काम कोई किया है वो राहुल गांधी जी है। जो स्वतंत्र के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ते थे, अभी वेस्ट इंडिया कंपनी का ये चल रहा है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये वेस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ के फेंकने का।